हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारोवे शिवी 888। गाइस, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गाइस, ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो टॉपिक आपका ये रहेगा कि आपके जो पर्सन हैं उनको आप कैसा इंसान समझते हैं और वास्तव में वो कैसे इंसान हैं। ठीक है, सो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें कैसे समझते हैं और वास्तविकता में वो कैसे हैं। तो ऊपर जो हम कार्ड्स लेंगे वो ये लेंगे कि आप अपने पर्सन को कैसा समझते हो, और नीचे जो हम कार्ड्स लेंगे वो ये लेंगे कि वास्तविकता में आपके पार्टनर कैसे हैं। प्लीज हरिहरा गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कैसे हैं और मेरे व्यूअर्स कैसा समझते हैं। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को किस तरीके का इंसान समझते हैं। प्लीज गाइड मी। लास्ट कार्ड, लास्ट वन, वन मोर। ये आप अपने पर्सन को समझते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन एक्चुअली में कैसे हैं, ठीक है। ये आप कार्ड हम निकालेंगे नीचे, लेकिन फिलहाल हम ये बता देते हैं कि आप अपने पर्सन को समझते कैसा हैं, ओके। देखिए गाइस, आप लोग अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लव करते हैं, क्वीन ऑफ कप सिखा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आप अपने पर्सन को लेकर बहुत जजमेंटल हैं। आप उन्हें जज करते हैं, आप कहीं ऐसी और से बात तो नहीं कर रही है, किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है, कहीं किसी और के साथ फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं किसी और का तो नहीं हो गया, ठीक है, कहीं कहीं कुछ और तो नहीं कर लेगा। सो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर बड़े जजमेंटल भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो सकते हैं इस पर्सन को, बहुत ज्यादा चाहते हो सकते हैं, बट आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप शंका करते हैं। शंका मीन्स डाउट्स, जजमेंट्स, बिकॉज आपके अंदर डाउट्स की एनर्जी है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं डियर। आप इस पर्सन पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते। आप में से काफी सारे लोग अपने पर्सन को डेविल देखते हैं। डेविल का मतलब हो गया एक कार्मिक देखते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग पर्सन जो यहाँ पर आए हैं, आप अपने पर्सन को कार्मिक देखते हो। सब अपने पर्सन को बहुत पॉजिटिव नहीं देखते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक इंसान है, ठीक है, वो कार्मिक पार्टनर है आपका। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ डेविल आया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। एंड आप कितना भी बोलिए कि आपने ये बोला वो बोला, देखिए गाइज, हमें जो रीडिंग में दिखाई देता है हमको वो बोलना पड़ता है। जो कार्ड्स कहेंगे वही हम कहेंगे, ठीक है। जो कैंडल वैक्स में आएगा, जो हमें दिखाई देगा, हम वही बोलेंगे, ठीक है। हमको जो भी दिख रहा होगा वही हम बोलेंगे, ठीक है। सो उस चीज के लिए आपको लगता है कि ऐसा मैसेज आया या वैसा मैसेज आया, जैसा आएगा वैसा आपको देना मेरा काम है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हों आप लोग, लेकिन ये आप में से काफी सारे लोगों ने कभी ना कभी तो अपने पर्सन को एक डेविल सोचा है। आज भी कुछ लोग सोचते हैं, आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो उनका कार्मिक है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अगर कार्मिक नहीं सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्सन के अंदर बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज हैं, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि वो आपके डिवाइन काउंटर ही पार्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनमें बहुत कमियां और बहुत मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत कमियां देखते हैं, बहुत नेगेटिविटीज देखते हैं। डेविल मुझे इस चीज की बात कर रहा है कि आप फुल ऑन पॉजिटिव नहीं है अपने पार्टनर को लेकर। फुल ऑन आपके अंदर ये नहीं है कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर पूरे तरीके से पूर्णतः 100% श्योर नजर नहीं आते। अगर आपसे कोई बोलेगा इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तो आप 100% श्योर नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, बट हमारी हमारी जो जनरेशन है, या फिर हम जनरेशन बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, आज का जो दौर चल रहा है इसके अकॉर्डिंग लोगों के अंदर कितना भी प्यार क्यों ना हो, ठीक
ठीक है, लेकिन लोग अपना लॉजिक्स यूज करते हैं, ठीक है, लोग अपने लॉजिक्स लगाते हैं। लॉजिक्स में हो जाता है कि आपकी वो गुण देखेगा, आपकी हरकतें देखेगा, आपका बात करने का तरीका देखेगा, आपके आपके कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपके लॉयल्टी चेक करेगा। इन सारी चीज़ों को जब आप अपने पर्सन को देखते हो ना, तो आपको लगता है सब में फेल है आपका पार्टनर, बिकॉज डेविल बात कर रहा है कि आपको उस पर्सन में या तो कार्मिक नजर आता है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर आती है, ठीक है, और आप इस पर्सन को लेकर बहुत जजमेंटल हैं, बहुत शंका करते हैं आप इस पर्सन पर लेकर आपको पूरा भरोसा ही नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, आप डाउट्स क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको इस पर्सन के ऊपर। ओके, आप इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को भी स्टक महसूस करते हैं, और उस पर्सन को तो आप स्टक देखते ही हैं। आपकी सोच उनके बारे में कुछ ऐसी है कि बहुत स्टक व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर क्लैरिटी ना होना। जिनको भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है, और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है, बहुत ही कम उनके पास क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो माता छिन्नमस्ता की पूजा कर सकते हैं। मतलब पूजा करना इन द सेंस कि आप उनको याद कर सकते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। पूजा मत करो, ध्यान कर लो उनका 10 मिनट, ठीक है, और उनसे क्लैरिटी मांगो, ठीक है, वो आपको क्लैरिटी देंगे। और उनकी आप आराधना करेंगे तो अगर आप बहुत फॉगी माइंड है आपका, बहुत भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं, तो वो इल्यूजन्स आपकी खत्म हो जाएंगे, भ्रमित आपका जो मन है वो खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो, बट मैं रीड कर रही थी तो मुझे ये मैसेज चैनल हो गया, तो मैंने आपको दे दिया। ओके, आप इस कमेंट सेक्शन में छिन्नमस्ता, माता छिन्नमस्ता को डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, और आप उनका ध्यान कर सकते हैं, और आप उनसे क्लैरिटी मांग सकते हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी देंगी आपको डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया हैंडमैन का, आपकी जो पर्सन है बहुत स्टक रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के मन में, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है, और आप ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत ही भ्रमित व्यक्ति है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा एंजाइटी के शिकारी हो सकते हैं, आपको उस पर्सन पर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि पर्सन को एंजाइटी रहती है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, रातों में जागता है, ये जो गुण होते हैं ना, रातों में जागना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये केतु अगर आपका बहुत ज्यादा वीक है, वीक प्लैनेट है, बाल झड़ना, इस तरीके का डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आपका अगर केतु बहुत वीक है, उसके लक्षण होते हैं ये, ठीक है। आप कई बार ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि ये हो रही हैं पर क्यों हो रही है, आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट से बहुत सारी चीज ठीक कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट आपका वीक है उसकी रेमेडी कर सकते हैं आप, ठीक है, और कौन सी चीजें आपको नुकसान करती हैं उसकी रेमेडी आप कर सकते हैं, कौन सी चीजें, कौन सा आपका पास्ट लाइफ कर्मा बन रहा है, कहाँ से कर्मा जुड़ा हुआ है, किस चीज पर, किस एरिया में काम करना है, कौन सा काम कर सकते हैं, काफी सारे आंसर्स आपको एस्ट्रोलॉजी चार्ट से मिल जाते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट अगर आपके पास है जिससे आप कंसल्टेंसी लेते हैं, उससे अगर आप सारी चीजें पूछते हैं वो आपको सब बता देगा, ठीक है, जो भी आप जानना चाहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में, या फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आपको कौन सा ग्रह परेशान करता है, आपके जो पर्सन है उनके बारे में आपका सोचना ऐसा है कि बहुत ही एंजाइटी से भरा हुआ, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, रातों के जागता है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब आप इस पर्सन के बारे में कुछ भी गलत, मतलब कुछ भी अच्छा ज्यादा सोचते रहिए, क्योंकि अगला ही कार्ड टावर का है। आपकी सोच इस पर्सन को लेकर कुछ ज्यादा अच्छी कोई खास नहीं है, फिर भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। ओके, इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो बात सत्य है बिल्कुल, प्यार वास्तव में अंधा ही होता है क्योंकि जो सोच समझ कर होता है वो प्यार नहीं सौदा होता है, ठीक है। सो आप इतनी सारी कमियों के साथ भी आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि आपकी सोच बता रही है कि आपको इस पर्सन में बहुत कमियां नजर आती हैं, इनका स्टक रहना, इनका एंजाइटी डिप्रेशन वाला बिहेवियर, ठीक है, इनका सडन टावर गिरा देना आपकी जिंदगी के ऊपर, शॉकिंग न्यूज दे देना, कभी भी कुछ भी कर देना, ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा टावर गिराकर चले जाएंगे, कब कौन सी बात बाहर निकाल कर चले जाएंगे, कब क्या करके चले जाएंगे, सो आप फुल ऑन ट्रस्ट भी नहीं करते इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि टावर की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप इस पर्सन के साथ अगर रहते भी है कनेक्शन में, तो ऐसे रहते हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं कल कौन सा तूफान आ जाएगा, पता नहीं कल कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, सो इस तरह से एनर्जी आ रही है। तो फिलहाल मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं डियर कि आप अपने पर्सन के बारे में कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं सोचते हो। जिनसे रेजोनेट कर रहा है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम देखते हैं कि वास्तविकता में आपके पर्सन कैसे हैं, आपको कैसे दिखते हैं, ये आपकी सोच है, बिकॉज आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग नहीं हुई है, बहुत सारे वुंड्स हैं,
और आपको बहुत ज्यादा जज करने की आदत है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, बट रियलिटी हर व्यक्ति की वैसी नहीं होती जैसा वो आपको दिखा रहा है, उससे कुछ डिफरेंट होती है। तो हम अब ये देखते हैं कि रियलिटी क्या है आपके पार्टनर की। 6 कार्ड्स लेंगे महादेव और माधव से पूछकर। प्लीज गाइड कीजिए हरी हरा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स वास्तविकता में कैसे हैं। Two of Cups, Star, Seven of Cups, Nine of Cups, दो कार्ड हैं। देखिए गाइज कितने डिफरेंट कार्ड आए हैं। आप अपने पर्सन के बारे में कैसी चीजें सोचते हो और वास्तविकता में वो कैसा है, अब ऐसा इंसान उसको समझने के लिए ना आपको अवेकनिंग लगेगी। अवेकनिंग मतलब तो मैंने आपको कई बार समझाया है, बिगर पिक्चर, ठीक है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर आपके प्रति, उसका बिगर पिक्चर वो कब आपको समझ में आएगा, जब आपकी अवेकनिंग होगी या फिर आप इस कनेक्शन को थर्ड आई पर फील करेंगे, ठीक है। आप इस कनेक्शन को डीप जाकर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसा आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उससे विपरीत व्यक्ति आपका पार्टनर है। देखिए आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स निकाले, पहले कार्ड्स भी सब उड़ उड़ कर आ रहे थे और ये कार्ड्स भी ऐसे ही निकल कर आए हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कार्ड्स को कितना डिफरेंस है, ठीक है। आप जो सोचते हो उस व्यक्ति के बारे में, वास्तविकता में वो जो व्यक्ति है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपकी सोच उस पर्सन के प्रति अच्छी नहीं है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम हम पागल थोड़ी ना है, हम जो उसके बारे में सोचते हैं उसकी हरकतों से सोचते हैं, उसकी हरकतें शायद इसीलिए ऐसी हैं बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आपके अंदर ये नेगेटिविटीज हो सकती हैं जिनको बाहर निकालने का काम आपके काउंटर पार्ट करते हैं, इस वजह से वो आपके साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं। बिकॉज स्टार कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हेवन से बना हुआ कनेक्शन है, मतलब हेवन से बोलते हैं ना कि राम मिलाई जोड़ी भी बोल सकते हैं या फिर मेड फॉर ईच अदर, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो ईश्वर की ब्लेसिंग है। स्टार कार्ड एक ब्लेसिंग को भी दिखाता है, एक ऐसा कनेक्शन दिखाता है जो तार कहते हैं ना चांद तारों पर बना हुआ कनेक्शन, स्टार्स पर लिखा हुआ है मेरा तेरा मिलना, तो मतलब आप वो चीज लिख कर लिखवा कर आए हो, वो मिलना आपका लिखवा कर लाए हो, और ये कनेक्शन उतना ही अच्छा है जितना आप की तरफ से अच्छा कर, जितना प्यार आप करते हैं ना, जो कप आपके हाथ में वही सेम कप इस पर्सन के हाथ में भी है। देखने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी आंखें लगेंगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है। आप देखिए यूनिवर्स ने कितनी अलग कार्ड्स दिए हैं, हरिहरा ने कैसे कार्ड्स दिए हैं, आप जो उनके बारे में सोचते हो और वास्तविकता में जो वो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैं यही नहीं कहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी वाला व्यक्ति है, कन्फ्यूजन में तो डेफिनेटली रहता है, क्योंकि यस ऑप्शंस की कमी नहीं हो सकती इस पर्सन की लाइफ में, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं इसलिए कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी भी लाइफ में जाएगा उसकी लाइफ में सारी खुशियां पूरी करने की कोशिश करेगा, उसकी मतलब पूरी ही खुशियां उसकी पूरी करने की कोशिश करेगा, उसको कभी भी ऐसा नहीं रखेगा कि यार उसके साथ में रह रहा है और वो उसकी खुशियों को इग्नोर कर दे, उसकी खुशियों के हिसाब से काम ना करे। एम्परर ईगोस्टिक हो सकते हैं थोड़े, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एम्परर कार्ड को दिखाते हैं कि काफी मैच्योर हो सकते हैं, और मैच्योर व्यक्ति कम बात करता है, वो कम बोलता है, वो कम बताता है कि उसकी लाइफ में क्या है कैसा है, वो ज्यादातर ऑब्जर्व करता है चीजों को, तो ईगोस्टिक हो सकते हैं थोड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोलते ही कम है तो लोगों को ईगोस्टिक लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफ आपको देंगे ये पर्सन अगर आप इनकी लाइफ में रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा खुश भी रखेंगे, ठीक है। मैच्योर है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, एंड थोड़ा कम बोलता है इसलिए इगोइस्टिक प्रतीत होता है, ठीक है। अपनी लाइफ में इस पर्सन को राजा की जिंदगी जीना बहुत पसंद है, फ्रीडम बहुत पसंद है, आप इस पर्सन की फ्रीडम नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे उतना ही ज्यादा लव करते हैं जितना आप करते हैं, क्योंकि दोनों के हाथ में सेम कप है। स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी हेवन से लिखवा कर लाए हो, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आपका कनेक्शन है जो स्टार्स पर लिखा हुआ है, चांद तारों पर लिखा हुआ है। हाँ ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस की कमी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। एंड नाइन ऑफ कप दिखा रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है कि आपकी चुन चुनकर एक एक खुशियों को पूरा करेंगे अगर आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो। एंड सिक्स ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा हारमोनियस और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। डियर मैंने जो कार्ड्स निकाले ना, यूनिवर्स चाहते तो ये नीचे के एक दो कार्ड्स ऊपर दे सकते थे, ऊपर के एक दो कार्ड्स नीचे दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऊपर ऐसे बेकार कार्ड दिए जैसे वो दिखा रहे हो कि आपकी सोच में कितनी गंदगी भरी हुई है। ठीक है, आपकी सोच कितनी घटिया है अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, क्योंकि मैंने तो महादेव के सामने कार्ड निकाले, हरि के सामने कार्ड निकाले हैं, उन्होंने इस तरीके से कार्ड दिए। वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे दिमाग में जो उसके लिए भरा हुआ है ना, और जो रियलिटी में वो हमने तुम्हें दिया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालना होगा। मतलब जो कमियां तुम्हें उसमें नजर आ रही ना, वो वास्तविकता में उसके अंदर है नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमियां हैं। ठीक है, अगर तुम्हें उसमें, कहते हैं ना कि हमें दूसरों पे वही नजर आता है जो हमारे अंदर होता है। आप शायद बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं, डाउट्स क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। लव के साथ साथ आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, और डिवाइन काउंटर पार्ट का आना ही आपकी लाइफ में होता इसीलिए है क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करा सकें। तो वो आपको हर्ट करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज को बाहर निकाल दें। इतनी सारी नकारात्मकता जो आपको इस पर्सन के प्रति भरी हुई है, यही जरूरत है कि आपकी लाइफ से बाहर निकलने की। और जिस दिन आपने ये नकारात्मकता बाहर निकाल दी, ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ जिस दिन आपके लाइफ में एंटर करेंगी, ठीक है, आपके अंदर जागृत होंगी, आप इस कनेक्शन को ऐसा महसूस करेंगे कि इससे बेहतर कनेक्शन तो यूनिवर्स आपको दे नहीं सकते थे। इतना खूबसूरत ये कनेक्शन है। तो मतलब जो आप उनके बारे में सोचते हो वास्तविकता में जैसे वो हैं, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, आपका पर्सन बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। मैंने आपको कई बार बोला, हम रीडिंग में वो नहीं बोलते जो हमें लगता है, हम वो बोलते हैं जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमें वो बोलना पड़ता है। और कार्ड्स देखकर इतने लंबे समय में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कौन से कार्ड्स आपको क्या दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यही समझ रहे होंगे कि आपकी सोच अपने पर्सन को लेकर कैसी है, और परमात्मा उसको दिखा कैसा रहे हैं। परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो हमने तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, आप मुझसे कितना एग्री करते हैं और आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।